तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK में जारी सत्ता का संघर्ष फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब खबर है कि शशिकला अपने समर्थकों के साथ मिलकर भूख हड़ताल कर सकती हैं। दूसरी तरफ शशिकला का साथ छोड़कर एक विधायक और 3 सांसद पन्नीरसेल्वम के समर्थन में आ गए हैं। पन्नीरसेल्वम की बढ़ती विधायकों की संख्या की वजह से शशिकला ने अपना संघर्ष तेज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराने में हो रही देरी को लेकर राज्यपाल विद्यासागर राव पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक अगर राज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन करने के लिए नहीं बुलाया तो वह पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक पर जाकर भूख हड़ताल कर सकती हैं। पिछले रविवार को पन्नीरसेल्वम के इस्तीफे के बाद शशिकला ने मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश किया था, लेकिन माना जा रहा है कि गवर्नर श्री विद्यासागर राव का इरादा शशिकला के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें न्योता देने का है। यह आदेश इस हफ्ते आ सकता है। पन्नीरसेल्वम खेमे को मिल रहे समर्थन से घबराई शशिकला ने परोक्ष चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण नहीं होने पर अब धैर्य जवाब दे रहा है। निष्पक्षता और लोकतंत्र में अपने विश्वास के चलते हमने सब्र किया है। हमारे अंदर एक सीमा तक ही सब्र हो सकता है, इसके बाद तो हम तय करेंगे कि हम क्या करेंगे। इसके साथ उन्होंने प्रदर्शन करने की भी धमकी दी है। इस बीच पुलिस ने राजधानी चेन्नई में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तो दिन ब दिन तमिलनाडु से नई खबरें आ रही हैं। सारा दारोमदार राज्यपाल पर टीका है। अब देखना होगा कि शशिकला की यह भूख हड़ताल कब शुरू होती है और इसका क्या असर होता है। देखते रहिए DB Live।